हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आज संडे है और संडे को फंडे पहले बोल सकते थे पर अब नहीं बोल सकते क्योंकि संडे को मुझे बहुत ही काम हो जाता है, संडे मेरा बेकार हो जाता है, फंडे कहने को होता है। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हों नौ इनके हेयर कट करवाने के लिए और थ्रेडिंग करवाने के लिए। थोड़ा बहुत घूमेंगे, खाएंगे, पियेंगे, है ना। हाँ, फेशियल भी करवाएंगे। चेहरे में ग्लो की कमी नहीं, फिर फेशियल करवाने की क्या जरूरत है। ऐसे ही अच्छी लग रही है यार तुम। नहीं, और एक चीज़ दोस्तों, मेरा गला बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मुझे बहुत ही चिल्लाना पड़ता है अपने वर्करों के साथ में। तो आप लोग कोई उपाय मुझे बताओ भाई कि कैसे मेरा गला ठीक हो, मेरी आवाज़ फिर से कैसे वापस आए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप लोग। तो भाई दोपहर का टाइम हो चला है और खाना खाने का वक्त भी हमारा हो चला है दोस्तों। आज खाने हमारी बीबी ने बनाया हुआ है दाल चावल रोटी भिंडी की सब्जी अचार और हरी मिर्च और साथ में भरता भी बना हुआ है। और खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। और एक चीज़ भी, मेरा गला बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, ख़राब हो चुका है मेरा गला, शायद मेरी आवाज़ भी जाने वाली है। तो दोस्तों हम लोग आप लोगों से खाना पीना करने के बाद में मुलाकात करते हैं। तो जिसको भी खाना है वो आ सकता है हमारे घर, बहुत ही टेस्टी फूड बना हुआ है। तो आपसे मिलते हैं आपसे कुछ देर में हम लोग। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग उन्नाव जाने के लिए तैयार थे पर अभी बारिश होने लगी है, बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है, आप लोग देख भी सकते हो। अब देखो बारिश कब बंद होती है और कब हम लोग उन्नाव के लिए जाते हैं। भाई जब बारिश बंद होगी तभी तो हम लोग जा पाएंगे ना उन्नाव। तो मुझे लग रहा है प्लानिंग कहीं हमारी कैंसिल ना हो जाए। आप लोग भगवान से दुआ करो भाई कि ये बारिश बंद हो जाए, क्योंकि अभी रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है, शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत। और दिव्या को कुछ अपने लिए, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि उन्हें हेयर कट करवाने अपना जाना था। बारिश बंद होगी तभी आगे का कुछ प्लान कंफर्म होगा। तो यार फटाक से बारिश बंद हो जाए तो अच्छा है। हालांकि मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है पर अभी बारिश में नहीं जा सकते। अगर रास्ते में होते तो वो एक अलग चीज़ थी कि अब बारिश हो रही है हमने भीग लिया और अब घर से निकल नहीं सकते हैं। घर से निकल चुके होते तब ये बारिश होती तो ज़्यादा मज़ा आता यार। खैर कोई बात नहीं। और आह वाह, क्या फुहारे आ रहे हैं यार, मज़ा आ रही भाई, सब भीगने में भीग लेते हैं अभी। तो चलो दोस्तों इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का और फिर उन्नाव के लिए चलते हैं हम लोग। अब फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, फिलहाल बारिश रुकने का इंतज़ार कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से बारिश रुकने के बाद में, फिर बताते हैं उन्नाव जाना हमारा होगा या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि बारिश बंद हो चुकी है और फाइनली हम लोग तैयार भी हो चुके हैं, अब चलते हैं उन्नाव की तरफ और फिर पहुँचते हैं हम लोग हेयर सैलून और वहाँ पर विजिट करते हैं। तो बारिश के बाद कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बाइक से चलने में वैसे भी मज़ा तो आती है भाई साहब, बारिश के बाद घूमने में मज़ा आती है और घास देखो कितनी प्यारी लगती है, हरी हरी चारों तरफ से हरियाली दिख रही है, ग्रीन ग्रास, वाह यार बहुत ही अच्छा। कुछ भी कहो मगर फीलिंग बहुत ही अच्छी आ रही है ऐसे टाइम पे घूमने में। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी भयंकर बारिश हो रही है, हम लोग छाँव में रुके हुए हैं भाई ताकि भीगे ना। तो गाइज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि बारिश में भीगे ना। आप लोग देख सकते हैं रास्ते में हम लोगों ने रेस्ट लिया हुआ है और बारिश जैसे ही बंद होती है हम लोग चलते हैं उन्नाव की तरफ। फिलहाल बारिश रुकने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश हो रही है, रुके तो फिर आगे का देखते हैं क्या होना। तो गाइज जैसा कि फाइनली हम लोग बारिश में भीग चुके हैं, ओह माय गॉड, और हम लोग पार्लर भी पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो ये है रास्ता यहाँ पर पार्लर जाने का। और ये देखो मैडम जी बारिश से बिल्कुल रुक चुकी। तो चलिए हम लोग चलते हैं पार्लर की तरफ भाई, पूरा शरीर गीला हो चुका है, पता नहीं अंदर जाने देंगे भी या नहीं देंगे, वो तो विजिट करने के बाद में पता चलेगा। तो गलती तुम्हारी है, ऊपर जाने का भी रास्ता है क्या भाई, चलिए चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। तो गाइस जैसा कि फाइनली हम लोग आ चुके हैं देवाज यूनिसेक्स सैलून और अभी दिव्या का हेयर कट होने वाला है और मैम ही यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा इन्होंने हम लोगों को बताया। सोच रहा हूँ दिव्या को एक बार क्यों ना मैं कोर्स करवा देता हूँ पार्लर का। तो
चलिए चलते हैं गूगल के हेयर कट की तरफ और फिर मिलते हैं आप लोगों से हेयर कट के बाद में। आप लोग देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर दिव्या के बाल कट चुके हैं और मुझे लग रहा है इन्हें नींद आने लगी। क्यों बाल पर पेंट लगाते हैं? नींद आने कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया हेयर कट हुआ है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि किस किस को हेयर कट बहुत ही अच्छा लगा है और भाई जो भी यहाँ पर विजिट करना चाहे वो आ सकता है। अपने उन्नाव में ही खुला हुआ है पार्लर मोती नगर में, है ना? देव्यास यूनिसेक्स हेयर सैलून के नाम से खुला हुआ। तो भाई अभी इनका फेस का चमत्कार बाकी है। अभी ये अपना क्या करवा रहे हो तुम, जरा बताओ। अच्छा फेशियल करवा रहे हो भाई साहब? तो इन्होंने मैम से फेशियल के लिए डिमांड की है तो अभी इन्हें फेशियल की सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। बाल दिखाओ अपने, पता तो चले। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दो मिनट के लिए छोड़ दो, फिर बांध लेना, दो मिनट लगेगा। देखो इनके बाल कट चुके हैं, है ना? जरा शक्ल दिखाओ अपनी, थ्रेडिंग भी हो चुकी और अभी चेहरे का चमत्कार बाकी है। तो वो हम मिलते हैं आप लोगों से फेशियल करवाने के बाद में। जैसा कि फाइनली दिव्या ने हेयर कट थ्रेडिंग और क्या करवाया है, फेशियल इन्होंने अपना करवा लिया है। मैंने मैम के यहाँ से दो तीन सर्विस ले ली है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और सबसे कहूँगी कि सब लोग आकर यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और सर्विस लें। और इस समय 30% डिस्काउंट भी चल रहा है, इस ऑफर को मिल चुका है, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो प्लीज़ गाइज, आप में से जितने भी हमारे जानने वाले हैं वो सभी लोग यहाँ पर आएँ और अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब के साथ में शेयर भी करें और हम लोगों को भी बताएं और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। तो गाइस जैसा कि हम लोग घर आ चुके हैं, हालांकि रास्ते में बहुत ही बारिश हुई, हम लोग भीगे भी बहुत और मुझे लग रहा है जुकाम हो चुका है और बीमार भी होने वाले हैं, वो हम दो दिन बाद बताएंगे आप लोगों को बीमार हुए या नहीं हुए। फ़िलहाल हम लोग घर आ गए हैं, पार्लर गए थे, वहाँ से थ्रेडिंग हेयर कट और फेशियल हुआ इनका। मैंने कुछ नहीं करवाया है, मेरा बहुत ही पैसा खर्चा करवा दिया इन्होंने, अभी मेरी कोई इनकम नहीं हो रही भाई, मेरा बहुत ही खर्चा हो गया है। खैर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, एक नया हम लोगों को वहाँ से एक्सपीरियंस मिला और बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आज का आप लोगों को। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।